अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ योर बनी बॉय। सो आज बेसिकली ना सर्दी इंजॉय करने के लिए हम बाहर निकले थे, तो चाय पीने का मूड हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको भी ले चलूँ, क्योंकि जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ मैंने अभी तक कोई आपके लिए कोई वीडियो शेड्यूल या ब्लॉग नहीं बनाया। तो अभी चलते हैं, चाय पीते हैं और आपको वहाँ का मेन्यू शैनी और ये चीज़ें दिखाता हूँ। चौक में खड़ा हूँ, ट्रैफिक बहुत है, तो चलते हैं वहाँ पर, मैं आपको जाके दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो चाय पीने के लिए हमने ये जगह चुनी है, मिस्टर चाय। मिस्टर चाय कोहिनूर में है और ये बिल्कुल साल्ट एंड पेपर के बिल्कुल साथ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, ये है कोहिनूर में साल्ट एंड पेपर और ये है सामने मिस्टर चाय। मिस्टर चाय चलते हैं, बहुत ही मज़े का यहाँ पे व्यू है। फैमिली के लिए ऊपर है और नीचे हमारे जैसे बैचलर्स के लिए, जो मतलब वैसे ही लड़के छड़के। वालेकुम अस्सलाम। ऑलराइट गाइस, तो अभी मेन्यू में मैंने देखी हैं कुछ चीज़ें, लेकिन मैंने एक ड्रिंक इनका ट्राई करना है, तो अभी वो देखते हैं। और उमर तो ये रिस्क नहीं लेना चाह रहा, तो अभी वो पिएगा स्ट्रिंग और मैं पीऊँगा ये। आप पीछे देख सकते हैं, ये देखें, फुटबॉल का मैच चल रहा है और बड़ा अच्छा इन्होंने ये इन्वायरमेंट बनाया हुआ है। आपको इनके मेन्यू कार्ड भी दिखाता हूँ, इनकी प्राइजेस दिखाता हूँ, इनके ड्रिंक्स दिखाता हूँ और आपको इनका थोड़ा सा इन्वायरमेंट ज़रा विज़िट करवाता हूँ कैसा है। ऑलराइट गाइस, तो ये है इनका मेन्यू, मिस्टर चाय का, द ओरिजिनल चाय। तो ये इनके सारे मेन्यू में हैं, ये बारबेक्यू में है, मतलब बोनलेस सीक वगैरह, ये इनके रेट्स वगैरह लिखे हुए हैं। और चाय में आप देखें, ये आती है दूध पत्ती, मतलब ये इनकी प्राइजेज हैं साथ में। ये स्पेशल चॉकलेट, मतलब जो भी इनमें है स्पेशलिस्ट वो चाय है इनमें। उसके बाद ग्रीन टी, कावा वगैरह, और ये कोल्ड में, हॉट कॉफ़ी में, ये इस तरह है, ये ड्रिंक्स हैं। और मैंने ट्राई किया है मोहितो, ये वाला। तो उमर कर रहा है, उमर तुमने क्या स्टिंग कर रहा है, तो आपको भी इसका मैं इन्वायरमेंट दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो ये हैं इनके शेक्स, ये शेक्स की साथ में प्राइजेज हैं। और ये है मार्गरेटा, फ्रेश जूस, स्मूदीज, मतलब मेन्यू इनका काफ़ी तगड़ा है। हाँ उमर, तेरा क्या ख्याल है इस बारे में? ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन है नहीं। हाँ मतलब ज़्यादा, मतलब थोड़ा बहुत तो फ़र्क आना चाहिए ना ज़रा क्लास में। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ इनकी फैमिली सिटिंग बहुत अच्छी है। हाँ, फैमिली सिटिंग इनकी बहुत अच्छी है, ये सारा जो है मर्द हज़रात के लिए है, ये भी बड़ा अच्छा है। मतलब देखिए, इनकी वॉल शॉल बड़ी डिकोर है, उनकी लाइट्स, ये ऊपर सारा फैमिली का है, मतलब फैमिली को ऊपर ही रखते हैं हमसे। और ये देखें इनके खाने में, ये पास्ता, चाइनीज़ पराठाज, और क्या है इनमें, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, सैंडविच, बर्गर वगैरह सब कुछ है। प्राइजेज आप देख लें इनकी, कुछ ज़्यादा नहीं है। 5 पीसेस जो क्रिस्पी विंग्स हैं, और ये है 220 का, 10 पीस 380 की। राइट गाइस, तो मेरा ड्रिंक आ चुका है, दिखने में काफ़ी कूल लग रहा है और लग रही है जैसे ये कोई गर्मियों की सौगात है और मैं पी रहा हूँ सर्दियों में। ये आप देख सकते हैं सामने, जैकेट, जर्सियाँ, और मैं पी रहा हूँ मोहितो, फुल चिल। तो पी के देखते हैं ये कैसा है। चाय नहीं बोला। तो और इसमें बेसिकली सॉफ्ट ड्रिंक है, कुछ पुदीना है, जैसे लाइक के वो मिंट मार्गरीटा, उसी तरह की चीज़ें हैं, लेकिन ये बनने में कुछ डिफरेंट होता है। तो पी के देखते हैं कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। और मतलब सॉफ्ट ड्रिंक और थोड़ा सा मिंट का टेस्ट आ रहा है। अच्छा यार, उस टाइम ना मेरे पास खड़ा था मैनेजर, मुझे पूछ रहा था कैसा है टेस्ट, और मैं आपको बताऊं, ये वो जो 40-50 वाला वो लेमन नहीं होता, लेमन सोडा, हाँ वो उससे भी कुछ बस ठीक है, उससे ज़रा मिलता जुलता है। और इसकी प्राइस थी 110। भाई आपको ये 40-50 में मिल जाएगा, ये वही चीज़ है, इससे अच्छा मिलेगा। चलो पी रहे हैं, अब ले तो लिया है। अच्छा उमर ने ना आज कोई पहली दफ़ा कोई पत्ते की बात की है, क्योंकि हम ना खाने पीने के मामले में थोड़ा सा श्योर नहीं थे कि यहाँ से खाएं कि नहीं खाएं, क्योंकि इस ड्रिंक की वजह से थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ कि यहाँ से खाना चाहिए कि नहीं। तो सैंडविच या बर्गर वगैरह जो है ना, हम देखते हैं कहीं बाइट से खाएँगे, यहाँ का मुझे ज़रा, मैं एम ही आपको गलत सजेस्ट नहीं करूँगा, मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं वैसे ही आपको एक बात कर रहा हूँ।
मे बी इनका अच्छा भी हो, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा, तो इस वजह से मैं ज़रा बाइट से ट्राई करूँगा। और ड्रिंक नॉर्मल है, स्टिंग अच्छी है इनकी, क्योंकि स्टिंग तो ऑब्वियसली हर एक की अच्छी होती है। तो चलते हैं, अभी ड्रिंक पीता हूँ, उसके बाद फिर हम निकलते हैं। थोड़ा सा आपको इसका रिव्यू देता हूँ। एक आपको मैं डॉक्टर सोसी का भी बर्गर दिखाता हूँ, जो उमर ने खाया वो मुझे दिखा रहा है। जेलोपिनो किचन सूसा रोड पे जेलोपिनो किचन है। तो देखते हैं अभी वहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ये आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो ये देखें कितना किंग साइज बर्गर है, और दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, यमी लग रहा है, जूसी लग रहा है। तो मेरे ख्याल से इसी को ट्राई करना चाहिए, जाके इनका भी मेन्यू आपको दिखाते हैं। चलें फिर उमर, अपनी ड्रिंक्स पी लें, तो उसके बाद फिर हम निकलते हैं, जाके बर्गर खाते हैं। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं मिस्टर चाय से, तो अभी आगे देखते हैं। उसने मुझे, उमर ने थोड़ा सा बताया कि वहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, सिर्फ टेस्ट है। तो देखते हैं, अगर तो रिजनेबल हुई बैठने की थोड़ी बहुत भी जगह तो बैठेंगे, नहीं तो कहीं और चलेंगे, आपको भी घुमाएँगे। और जब, क्योंकि जब से मैं दुबई गया हूँ, तो मैंने काफ़ी रेस्टोरेंट यहाँ पे देखे हैं, कोहिनूर में ओपन हो चुके हैं, जैसे कि ये मिस्टर चाय है। और फैसलाबाद में एक कॉन्सेप्ट है, मतलब लाइक कि यहाँ पे लोग बैठना चाहते हैं, बैठने की जगह ढूंढते हैं कि यार जहाँ पे हम बैठ के टाइम स्पेंड कर लें। तो यहाँ पे काफ़ी ऐसी जगह है, चाय शाय है यहाँ पर, और ये मिस्टर चाय है यहाँ पर, इस तरह की यहाँ पर जगह है। तो रेस्टोरेंट काफ़ी हैं इस जगह पर, तो आपको और भी दिखाएंगे, मतलब सामने भी मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर बर्गर रिजॉर्ट हैप्पीस पता नहीं क्या क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सामने आप देख सकते हैं कि वो है सामने, ये बर्गर रिजॉर्ट है, इस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं। और वो बिल्कुल सामने जो है वो चाय शाय है, चाय शाय के साथ ये बिल्कुल मिस्टर चाय, साल्ट एंड पेपर, इस तरह रेस्टोरेंट बने। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं जेलोपिनो किचन में, और ये है सूसा रोड के बिल्कुल लास्ट वाली साइड पर आता है, मतलब यहाँ पर लास्ट है, और ये यहाँ से शुरू होता है जो सिग्नल से आता है। तो अभी आपको जेलोपिनो किचन दिखाते हैं, बहुत छोटा सा सेटअप है, और बहुत छोटा सा सेटअप है। ऑलराइट गाइस, तो मुझे अभी मिला एक वॉलेट, जिसका भी है वो आके ले जाए, मुझसे नहीं, जेलोपिनो किचन से। तो अभी इनको मैं जाके वॉलेट दे देता हूँ, और आपको पहले जेलोपिनो का एक कहते हैं ना वो व्यू दिखाता हूँ कैसा है। वो छोटा सा किचन है और छोटी सी इसकी सिटिंग है, ये देख सकते हैं, ये सिटिंग इस रोड पे है। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज जेलोपिनो किचन, और ये जेलोपिनो किचन है, ये सामने उमर खड़ा है, और ये इनका किचन है, ये इनकी छोटी सी जो है ये सिटिंग एरिया है, जो बिल्कुल रोड पे इन्होंने किया हुआ है। मोस्टली ये वहाँ पे भी कर लेते हैं, क्योंकि बैंक बंद हो जाता है। और ये सूसा रोड है, और ये सामने से जो सूसा रोड आता है। ओके, तो अभी हम चलते हैं जेलोपिनो किचन में, सबसे पहले ये वॉलेट देते हैं, इनके किसी कस्टमर का यहाँ पर रह गया तो वो हम देते हैं, उसके बाद हम जो है ना इनको आपको मेन्यू शेन्यू दिखाते हैं। अभी हम आ चुके हैं जेलोपिनो किचन में, ये बिल्कुल हम किचन के बाहर आए, ये भाई हैं जेलोपिनो किचन वाले, और इनका मतलब मैंने काफ़ी तारीफ सुनी है, उमर से भी सुनी है, तो अभी इनका हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले इनका मेन्यू देखते हैं। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज द मेन्यू ऑफ जेलोपिनो किचन, और ये नीचे एड्रेस लिखा हुआ है, मेन सूसा रोड नियर फैसल बैंक फैसलाबाद, ये इनका नंबर है, इंस्टा स्नैपचैट ट्विटर फेसबुक ईमेल सब मतलब इन पे है। और अभी इनका हम देखते हैं मेन्यू, और ये है जी फर्स्ट टाइम इन फैसलाबाद ऑल ब्लैक बर्गर, मतलब बिल्कुल ब्लैक बर्गर है, इनका बन भी बिल्कुल ब्लैक है, और ये इनके ब्लैक में जो इनके मेन्यू में है वो चीज़ें हम दिखा रहे हैं आपको। और ये ब्लैक स्मैश बर्गर, ब्लैक किंग बर्गर, और ब्लैक ड्रीम बर्गर, ये बिल्कुल ब्लैक में जो इनके आते हैं ये वो हैं। और इनके इन्ग्रीडियंट्स जो हैं वो ये हैं, ब्लैक स्मैश स्मैश में है फ्रेश बीफ माइंस, येलो चीज़ स्लाइस एंड एक्स वाई जी सॉस। ओके, तो ब्लैक किंग बर्गर कम चिकन वेजी एंड जेलोपिनो सॉस, ब्लैक ड्रीम चिकन पैटी वेजी एंड स्पेशल सॉस। ओके, ये स्पेशल बर्गर है, लावा चीज़, चिकन ग्रिल बर्गर, फिलेट बर्गर, जेलोपिनो, ये सारे इनके रेट और ये लिखे हुए हैं। और ये फ्राइज, ये हर चीज़, ये सैंडविच है। ओके, पिज़्ज़ा भी है इनके पास, मलाई बोटी पिज़्ज़ा, जेलोपिनो पिज़्ज़ा, पेरी पेरी, और ये सारी डील्स हैं इनकी, 1 medium 3 piece wings 1 coke 500 ml, ये डील्स हैं इनकी सारी ना। तो ये फैमिली डील भी है इनकी, 24.99 में। तो अभी इनका बर्गर, उमर कौन सा बर्गर लगवाया? ओके, फिलेट बर्गर लगवाया हमने, और इसमें है स्टफ चिकन है, वेजी एंड जेलोपिनो सॉस है, और इसकी प्राइस 409 रुपीज़। 9 रुपीज़ क्यों है यार ये एक्स्ट्रा, मतलब 9 स्पेशल है ना,
मतलब 9 क्यों यार, बाटा प्राइस है ये। चलें बाकी हम ट्राई करते हैं, ट्राई के बाद आपको एक ऑनेस्ट सा रिव्यू देते हैं कि कैसा है। तो वेट करते हैं बाहर बैठ के, क्योंकि अभी जो सेटिंग है इनकी यही है और अल्लाह इनका काम चलाएगा। टेस्ट अच्छा है तो ये ज़रूर चलेगा, क्योंकि फैसलाबाद वाले टेस्ट मांगते हैं, सेटिंग मांगते हैं। टेस्ट अच्छा है तो इंशाल्लाह इनका चलेगा। और अभी हम वेट करते हैं, देखते हैं बर्गर आता है आपको उसका रिव्यू देते हैं, फिर देखते हैं हम कैसा है। ये हमारा आ चुका है बर्गर, जेलीपिनो किचन का बहुत ही मज़े का बर्गर है ये, और बहुत जूसी लग रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा बर्गर लग रहा है। तो अभी हम इसको खाएंगे, इसका टेस्ट देखते हैं, इसका रिव्यू करते हैं और ट्राई करते हैं। ये बहुत ही बड़ा बर्गर है, मतलब बड़ी बाइट लेनी पड़ेगी हमें अभी। ऑलराइट गाइस, तो मैं अभी फ़िलहाल इसका सिर्फ चिकन खा रहा हूँ, और चिकन इसका बहुत मज़े का है, बहुत ज़्यादा मज़े का है, क्योंकि इसमें एक चिकन जो है वो तो अंदर है। बहुत बड़ा बर्गर था, इस वजह से मैंने ये ज़रा सेपरेट ट्राई करने का सोचा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसकी सॉस बहुत मज़े की है, और मेरी तरफ से इस चिकन को तो 10 out of 10। और बाकी बर्गर अभी ट्राई करते हैं, वो भी आपको बताते हैं। चिकन तो बहुत अच्छा है, तो पहली बाइट और उतना ही मज़े का, और उतना ही स्पाइसी और इतना ही जूसी, बहुत मज़े का बर्गर है, ज़रूर ट्राई करें। मेरी तरफ से इसको 10 out of 10, और बहुत अच्छा बर्गर है, बहुत बहुत मज़े का बर्गर है। और इनकी जो सॉस है वो भी इनकी अपनी स्पेशल है, और सॉस भी बहुत अच्छी है। ऑलराइट गाइस, तो बर्गर बहुत अच्छा है, आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे ज़रूर आएँ। और इनका एड्रेस जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, इनका नंबर लिख दूँगा। और इसके अलावा और भी इस तरह की अगर आप वीडियोज़ फैसलाबाद में देखना चाहते हैं, क्योंकि जब तक मैं यहाँ हूँ यहाँ पे मैं वीडियोज़ इस तरह की बनाता रहूँगा, तो ये आपने ज़रूर ट्राई करना है, जेलीपिनो किचन। ये आपको पीछे नज़र आ रहा है जेलीपिनो किचन, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं एड्रेस, नंबर और ये सारी चीज़ें डाल दूँगा।